हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजराती के चैप्टर नंबर 5 श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं उसके बारे में सीखेंगे। श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं जिसके कोई लेखक नहीं है, ये संकलित है। संकलित का अर्थ होता है जैसे कि अलग अलग मैगजीन, अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह में से जो भी प्रकाशित हुए लेख होते हैं वहाँ से माहिती को एकत्रित मतलब इकट्ठे करके उसको आपके समक्ष रखा जाता है। इसको इकट्ठे करने का काम जिसने किया है वह है रमेश चंद्र दी पंड्या। वह ये पाठ के लेखक नहीं हैं लेकिन उन्होंने तो ये माहिती इकट्ठी की है और इसका साहित्य प्रकार है रेखाचित्र जिसको हम चरित्र निबंध भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में अगर डिटेल में बताया जाए है ना, किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र अगर आपको दिखाया जाए, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाए तो उसको हम आत्मकथा निबंध कहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी दी जाती है उसको हम रेखाचित्र कहते हैं। तो ये पाठ का साहित्य प्रकार रेखाचित्र है। और अब ये पाठ के अंदर श्वेत, श्वेत मतलब दूध, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, मतलब ये दूध के बारे में ये पूरा पाठ आपको बताया गया है कि हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग अभी जो दूध यूज़ करते हैं है ना, तो वो अमूल ब्रांड का आता है, बराबर। तो जो ये आनंद के अंदर अमूल ब्रांड आई है वो नहीं थी, बराबर। तो वो अमूल ब्रांड कैसे बनी, बराबर ना, इसको लाने के लिए भी किसी व्यक्ति ने प्रयास तो किया होगा ना, तभी आती है ना। जैसे अपने स्कूल शुरू करनी है तो कोई शुरुआत तो करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, बराबर। कोई भी कार्य हमको शुरू करना है तो उसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है, बराबर। तो ये दूध की जो सब प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाने के लिए भी किसी व्यक्ति का हाथ तो चाहिए ना, तो वो कैसे बना, बराबर। तो वो पूरा पाठ हमको ये पाठ में बताया गया है। तो दूध जो है वो पहले एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री था जो दूध के लिए प्रसिद्ध था और वो है नीदरलैंड। पहले नीदरलैंड में ही ये दूध प्रसिद्ध था, लेकिन फिर यहाँ ऐसे एक दो व्यक्ति आए, एक तो त्रिभुवनदास और एक दूसरे वर्गीस कुरियन, और वो दोनों ने सहकार जैसे शब्द से साबित करके बताया कि भाई हम अगर एक दूसरे का सहकार दे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये पाठ के अंदर हम जानेंगे कि भाई दूध का जो प्रोडक्ट आया, बराबर, तो उसको मार्केट में लाने के लिए ये जो त्रिभुवनदास है उन्होंने स्वप्न देखा, मतलब स्वप्न दृष्टा कहा गया है उनको। तो स्वप्न दृष्टा मतलब स्वप्न देखना। तो उन्होंने ऐसा एक स्वप्न देखा कि भाई ऐसे कोई दूध की प्रोडक्ट बनानी है लेकिन मार्केट में उसको कैसे लाना। तो यहाँ पे हमको दो एक शब्द दिए गए हैं कि एक तो स्वप्न दृष्टा और एक स्वप्न शिल्पी। तो स्वप्न दृष्ट का अर्थ होता है स्वप्न देखना और स्वप्न शिल्पी का अर्थ होता है वो स्वप्न को डेकोरेट करना, मतलब उसको सही ढंग का शेप देना, आकार देना। तो आपको परीक्षा के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमूल ब्रांड के स्वप्न दृष्टा कौन है, तो क्या नाम लिखोगे आप, तो के त्रिभुवनदास, बराबर। तो ऐसे आपको ये पूरे पाठ के अंदर बताया गया है। तो आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि त्रिभुवनदास कौन थे, बराबर, और त्रिभुवनदास पटेल वो कैसे त्रिभुवनदास पटेल बने और ये अमूल ब्रांड किस तरीके से बनी। तो उसके लिए उनका एक छोटा सा किस्सा ये पाठ के अंदर दिया गया है जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ वो चेंज हो गई और वहाँ से वो
त्रिभुवनदास पटेल बने। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ की। दर शनिवारे सवारनी शाळा होय, सौ भाईबंधो तळाव पासेना हनुमानजीना मंदिरे भेगा थईने किशोरावस्थामां सहज मौज मजाक करवी अने आनंद मस्तीमां दिवसो पसार करवानो ध्येय होय। मतलब आप लोग जानते हो कि शनिवार का दिन होता है, तो उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, आप लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना शनिवार के दिन। तो वैसे ही यहाँ भी शनिवार का दिन था और स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो सभी दोस्त ये हनुमान जी के मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। और जैसे किशोरावस्था, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी लाइफ में क्या आनंद मौज मस्ती यही सब होता है ना, तो वैसे ही ये लोग, ये बच्चे जो है त्रिभुवनदास और उनके दोस्त, वो भी शनिवार के दिन इकट्ठा होते हैं और सब मौज मजा मस्ती करते हैं। क्यारे भेगा मड़ी रेवड़ी खाता के चवाणों झापटता। रेवड़ी मतलब आप लोगों ने खाई ही होगी, जैसे प्रसाद में बहुत बार आती है रेवड़ी, तो वो ऊपर तिल लगे होते हैं वो रेवड़ी। तो आवी रीते रेवड़ी अने चवाणों झापटता एटले के तेओ खाता हता। परंतु एक वक्त नक्की कर्यो कि बधा मित्रोए वारफरती ओछामां ओछू एक वार तो कोई एक विषय पर कशुक लखवू अने बधानी वच्चे वाँचू। मतलब मौज मजा मस्ती तो करते ही थे, लेकिन बाद में सभी दोस्तों ने एक ध्येय निर्णय लिया कि भाई हमको रोज किसी एक को किसी ना किसी के बारे में लिखना, कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखना है, और जो भी हम लिखे वो फिर सबके सामने उसको पढ़ना है, ऐसा सबने तय किया। ते प्रमाणे मारो वारो आव्यो, शू करवू ते अंगे मनमां मूंझवण चालती हती। मतलब त्रिभुवनदास का एक दिन अभी सबकी बारी आती है, तो अभी किसकी बारी आ गई, त्रिभुवनदास की बारी आ गई। लेकिन जब त्रिभुवनदास की बारी आई तो अब क्या लिखे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। मारा काकाना दीकरा पासेथी एक अरसामां एक चोपड़ी लावेलो, तेमां सहकार विषय पर कंईक लखाण हतुं, ते वाँचवामां आव्युं अने तेना आधारे सहकार विषय एक निबंध लखीने तैयार कर्यो अने सौ मित्रोनी हाजरीमां वाँचेलो अने बधा मित्रोए ते विचार खूब गमेलो। बराबर, अभी क्या लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उनको याद आया कि वो एक किताब लाए थे, बराबर, तो वो किताब में सहकार, एक दूसरे का साथ देना सहकार का अर्थ होता है, बराबर, तो ऐसा एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, तो वो उनको दिमाग में आ गया, तो पूरे सहकार के बारे में उन्होंने एक पूरा निबंध लिख दिया। और लिखने के बाद सभी दोस्तों के आगे वो पढ़ा भी, और जो उन्होंने पढ़ा वो सभी दोस्तों को बहुत पसंद भी आया। उपर्युक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति अने खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेडना स्थापक पिता तेवा त्रिभुवनदास पटेलना स्वमुखे रजू थयेल छे। मतलब जो हमने अभी पूरा ये प्रसंग, मतलब जो भी हम लोगों ने घटना देखी, तो वो खुद त्रिभुवनदास पटेल ने अपने मुख से स्वमुख, मतलब खुद ने बताया हुआ है। विश्वभर में आज जेनुं नाम प्रचलित बन्यो छे अने अमूल मॉडल तरीके समग्र भारत में जेनो स्वीकार करवामां आव्यो छे ते अमूल डेरीना स्वप्न दृष्टा। यहाँ पे आया ना स्वप्न दृष्टा मतलब अमूल डेरी का स्वप्न देखने वाले। तो त्रिभुवनदास पटेलनो जन्म आणंदमां तारीख 22/10/1903 में पिता किसीभाई पटेल ने त्या थयो हतो। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अमूल डेरीना स्वप्न दृष्टा त्रिभुवनदास पटेलनो जन्म आणंदमां क्या थयो हतो, आणंदमां तारीख 22/10/1903 में, अने तेमना पितानो नाम हतो किसीभाई पटेल, एमने त्या तेमनो जन्म थयो हतो। तो ये आपको
बात ध्यान में रखनी है। खेडूतोना उद्धारक अने अमूल डेरीना पायाना पत्थर तरीके समग्र गुजरात अने सहकारी मंडळीओ तेमना ऋणी रहेशे। मतलब जो किसान थे उनके भी वो उद्धारक बने। अमूल ब्रांडनुं स्वप्न जोयुं अने अमूल डेरीना पाया नाख्या एटले के आ रीते ते पूरी सहकारी मंडळीओ तेमना ऋणी छे, केम के लोकोने एना द्वारा रोजगारी मळी छे। बराबर, तो एटला माटे सौ कोई तेना ऋणी छे। गुजरात विद्यापीठमां विद्यार्थी जीवनमां ज ते गांधीजी अने सरदार वल्लभना विचारोथी प्रभावित थई आज़ादीनी चळवळमां जोड़ाया। बराबर, जब वो विद्यार्थी आपके जैसे स्टूडेंट ही थे तभी से वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे उनसे वो प्रभावित हो गए थे। और आज़ादी में भी, आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें भी वो जुड़ गए थे। परिणामे ईस्वी सन 1930 में मीठाना सत्याग्रह निमित्ते अने ईस्वी सन 1940-41 में सत्याग्रह माटे तेमणे जेलवास पण भोगवो पड्यो हतो। ज्यारे मीठानो सत्याग्रह थयो हतो तो ते वखते पण आ त्रिभुवनदास तेमने सत्याग्रहमां जोड़ाया हता। अने आपणे जोईए छे के सर्व नेताओ आज़ादीनी चळवळमां एक वार जेलवास भोगवी चूक्या छे। बराबर, तेमणे आपणने आज़ाद करवा माटे घणी बधी तकलीफो वेठी छे अने अने जेलमां पण गया छे। तो के आ रीते त्रिभुवनदास પણ શું જેલમાં જઈ આવ્યા હતા। તેમણે સત્યાગ્રહ 1940-41 જે સત્યાગ્રહ થયો હતો અને તેમણામાં તે વખતે એમણે જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો। વલ્લભભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈસવી સન 1940 ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ પાઠની અંદર ઘણી બધી ઈસવી સન આવે છે, તો એ ખાસ કરીને તમારે અન્ડરલાઈન કરવાની છે અને એ યાદ રાખવાની છે। તો કે ઈસવી સન 1940 તેઓ ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને શેની સ્થાપના કરી, તો કે સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। ક્વેશ્ચન તમને અહીંયા પૂછાઈ શકે કે ઈસવી સન 1940 તેમણે શેની સ્થાપના કરી, તો તમે અહીંયાથી તેનો જવાબ મેળવી શકો છો। અહીંયા ઘડી જુઓ, અન્ડરલાઈન કરજો, તો કે સહકારી ઈસવી સન 1940 ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી, ત્યાં અન્ડરલાઈન કરી દેજો। તે સમયે ખેડૂતો પાસેથી ખૂબ જ ઓછા ભાવે દૂધ ખરીદીને મુંબઈમાં ઊંચા દામે દૂધ વેચતી કોલસન કંપનીથી ખેડૂતો ત્રાસેલા હતા। બરાબર, મતલબ તે સમયમાં આ પોલ્સન નામની જે કંપની હતી તેમનાથી ખેડૂતો બધા ત્રાસી ગયા હતા। શા માટે? તો કે તેઓ ખેડૂતો પાસેથી તો ખૂબ જ ઓછા ભાવમાં દૂધ લે છે અને એ જ દૂધ મુંબઈ જઈને તેઓ ખૂબ ઊંચા ભાવે વેચતા હોય છે, તો એટલા માટે આ પોલ્સન નામની કંપનીથી ખેડૂતો ખૂબ જ ત્રાસી ગયા હતા। તો બધાએ ભેગા મળી ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડની શરૂઆત કરી। ઈસવી સન 1950 ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો સાથ મળતા બંનેની જુગલબંધી જામી અને અમૂલ ડેરીનો વિકાસ હરણ ફાળે વિસ્તર્યો। જુઓ, તો કે અહીંયા ગાડી ત્રિભુવનદાસ પટેલે અમૂલ બ્રાન્ડ શરૂ કરવાનું સ્વપ્ન જોયેલું હતું, પરંતુ કહેવાય છે ને કે એક કોઈ એક એકલા હાથે કામ કરે એના કરતાં જો કોઈનો સાથ સહકાર મળી જાય તો એ કામ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધે। આપણા ઘર તમે કોઈ પણ કામ કરવા બેસો અને તમે જો એકલા કરો તો માની લો કે એ કામ કરતાં 5 કલાક થતા હોય, પરંતુ તમારી સાથે જ કોઈ બીજાનો હાથ મળી જાય અંદર તો એ જ કામ તમે 2 કલાકની અંદર પૂરું કરી દેતા હોય છે। મતલબ કે સહકારથી કોઈ પણ કાર્ય જલ્દીથી થાય અને એકબીજાના વિચારો અંદર મળે તો જલ્દી તો થાય જ છે, પરંતુ એની અંદર અવનવી બાબતો પણ વિસ્તાર પામે છે। તો અહીંયા ગાડી
त्रिभुवन दस साथ ईस्वी सन 1950 थी कौन भेगा थया तो के वर्गीस कुरियन एटले के वर्गीस कुरियन नो साथ तेमने 1950 थी मळ्यो अने आ अमूल डेरी नो जे विकास करवानो हतो ए खूब ज झड़पथी आगळ वधवा लाग्यो केम के एमनी साथे वर्गीस कुरियन पण भेगा थई गया एटला माटे बन्ने खूब ज सहकारथी अमूल डेरी ने आगळ वधारवा लागे छे। सहकारी मंडळीनी स्थापना अंगेना विचार बीजनुं वावेतर करनार सरदार वल्लभभाई पटेल हता। तेना स्वप्न दृष्टा हता त्रिभुवनदास पटेल अने ते स्वप्नना शिल्पी हता डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जुओ अहींया गाड़ी आपणने मैं तमने पहेला पण कीधुं ते ज रीते तो के आ सहकारी मंडळीना स्थापना अंगेनो विचारनुं वावेतर करनार हतुं सरदार वल्लभभाई पटेल बराबर। परंतु तेनुं जे स्वप्न जोता हता ए स्वप्न दृष्टा कोण हता तो के त्रिभुवनदास पटेल अने एने आकार आपनार एने डेकोरेट करनार हता वर्गीस कुरियन। तो के आ रीते ते तमने क्वेश्चन पूछाय तो खूब ज ध्यानथी लखजो। लगभग 4 दायकाओ सुधी बन्नेએ ખભે ખભો મિલાવી અમૂલ બ્રાન્ડને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ અપાવી બરાબર। તો કે બંને સાથે મળીને આ અમૂલ બ્રાન્ડ અત્યારે વિશ્વવિખ્યાત છે। આપણે પણ અત્યારે અમૂલની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ આપણા ઘરમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો કે એ વિશ્વની અંદર એને પ્રસિદ્ધિ અપાવી આ બંનેની જુગલ જોડીએ બંને સાથે મળીને આ અમૂલ બ્રાન્ડને ખૂબ આગળ વધારી। ત્રિભુવનદાસ 3 જૂન 1994માં 91 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા ત્યાં સુધી વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં એકાધિક હોદ્દાઓ ઉપર કાર્યરત રહ્યા। હવે જુઓ અહીંયા ગાડી તમે અંડરલાઇન કરજો કે તેમનું અવસાન ક્યારે થયું તો કે ત્રિભુવનદાસ 3 જૂન 1994માં અને તેમની ઉંમર ત્યારે હતી 91 વર્ષની વયે તેઓ અવસાન પામ્યા તે પરંતુ જ્યારે અવસાન પામ્યા તે પહેલાં તેમણે વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં એમણે કાર્ય કર્યું છે। ત્રિભુવનદાસને કોમ્યુનિટી લીડરશીપ માટે ફિલિપાઈન્સનો રેમન મેક્સેસે એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો। તો અહીંયા ગાડી તમને ફરી પાછું અંડરલાઇન કરવાનું છે કે ત્રિભુવનદાસને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો તો અહીંયા ગાડી અંડરલાઇન કરજો કે સહકારી મંડળીની સ્થાપના ત્રિભુવનદાસને કોમ્યુનિટી લીડરશીપ માટે ફિલિપાઈન્સનો રેમન મેક્સેસે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। ઈસવી સન 1964માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। અહીંયા ગાડી તમને એ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે પદ્મભૂષણ એવોર્ડ ત્રિભુવનદાસને ક્યારે આપવામાં આવ્યો આ તો પછી એમ પણ પૂછાય કે ઈસવી સન 1964માં ત્રિભુવનદાસને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો તો તમારે અહીંયા ગાડી અંડરલાઇન કરવાની છે કે ઈસવી સન 1994માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ ત્રિભુવનદાસને આપવામાં આવ્યો હતો।